Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you a paragraph on communal harmony. So चलिए करते हैं इसको हिंदी में explain. Communal harmony का मतलब क्या है कि सांप्रदायिक जो सौहार्द है वो लोगों में होना चाहिए, वो किसी भी कास्ट के हों, आपस में उनमें प्यार जो है वो होना चाहिए, भाईचारा उनमें होना चाहिए. तो चलिए करते हैं. कम्युनल हारमोनी इज द स्टेट ऑफ पीसफुल लिविंग अमंग मेंबर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज. जो असाम्प्रदायिक सद्भाव है वो विभिन्न समुदायों से संबंधित सदस्यों के बीच शांतिपूर्ण जीवन की स्थिति होती है. इट इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ द आवर, और ये समय की सबसे बड़ी जरूरत है. It is the only way by which the unity and integrity of the country can be saved. और यही एकमात्र तरीका है जिससे कि देश की एकता और अखंडता जो है उसको बचाया जा सकता है. The evil of communalism did an irreparable harm to the country in 1947 when it was partitioned on communal basis. 1947 में देश को एक अपूर्णीय क्षति जो थी वो पहुंचाई गई थी जब उसका विभाजन सांप्रदायिक आधार पर हुआ था. इट इज वंस अगेन रेजिंग इट्स अगली हेड इन फ्री इंडिया, और आज़ाद भारत में एक बार फिर से अपना कुरूप जो सिर है उसको उठा रहा है. इट इज इन फैक्ट द बिगेस्ट थ्रेट टू आर हार्ड वॉन फ्रीडम, और वास्तव में यह हमारी मेहनत से मिली आज़ादी के लिए सबसे बड़ा खतरा है. दिस इवल इज ईटिंग इन टू द वाइटल्स ऑफ आर सोसाइटी, यह बुराई हमारे समाज के प्राणों को खा रही है. द रीजन बिहाइंड दिस इवल इज क्वाइट क्लियर, और इस बुराई के पीछे का कारण जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फिश एंड अनस्क्रपुलस लीडर्स, और ये स्वार्थी और बेईमान नेताओं की उपज है. दे फैन द फायर कम्युनल हेटर्ड इन ऑर्डर टू गेन देयर सेल्फिश एंड्स, और वे स्वार्थी और जो बेईमान लोग हैं वे अपने स्वार्थ के लिए सांप्रदायिक नफरत की आग को भड़काते हैं. They incite the people to violence. वे लोगों को हिंसा करने के लिए उकसाते हैं. They project themselves as their saviors, और वे खुद को रक्षक के रूप में पेश करते हैं. They inflame the religious feelings of the common people by telling them that their religion is in danger and that they are going to be wiped out. और वो उनको जो भड़काते कैसे हैं, वो उनको ये कहकर भड़काते हैं कि उनका धर्म खतरे में है और उनका सफाया होने जा रहा है. अब जो इनोसेंट लोग होंगे वो क्या होंगे, वो तो एकदम से घबरा जाएंगे. दे इनफ्लेम देयर रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ द कॉमन पीपल बाय टेलिंग देम दैट देयर रिलीजन इज इन डेंजर, ठीक है, और कि उनका रिलीजन डेंजर में है, और फिर वो क्या है, उनका सफाया होने जा रहा है. द इनोसेंट पीपल आर अनेबल टू सी थ्रू द सिनिस्टर motives of these leaders and start fighting with your fellow brothers. और फिर क्या होता है कि निर्दोष लोग इन नेताओं के नापाक मंसूबों को समझ नहीं पाते और अपने साथी भाइयों से क्या करते हैं, वो लड़ना शुरू कर देते हैं. लव ऑफ वंस रिलीजन एंड कम्युनिटी डज नॉट मीन that we should run down others. इसका मतलब ये हुआ कि अपने धर्म और समुदाय के प्रति जो प्रेम का अर्थ जो है वो ये नहीं होता है कि हम दूसरों को नीचा दिखाएं. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा धर्म ही सबसे ऊपर है और बाकी सब छोटे हैं. द कंसेंटियस लीडर्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज शुड जॉइन हैंड्स इन ऑर्डर टू प्रमोट कम्युनल हारमोनी. और फिर कहते कि ऐसा ख़त्म करने के लिए क्या करना चाहिए कि सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समुदायों के जो ईमानदार नेताओं को हाथ मिलाना चाहिए. ईमानदार नेता कौन से होंगे, जिनको पता है कि रिलीजन का मतलब क्या होता है. रिलीजन का मतलब कट्टरवादी भावनाएं नहीं होता है.
ठीक है, कि मैं सबसे ऊंचा, मेरा धर्म सबसे ऊंचा और बाकी सब जो है वो सबसे नीचे. द गवर्नमेंट शुड कम डाउन हैवीली ऑन मिसचीफ मॉन्गर्स एंड गिव देम एग्जेम्पलरी पनिशमेंट. और इसके साथ क्या करना चाहिए कि सरकार जो है उसको भी शरारती तत्वों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए. अभी कड़ी सजा की बात क्यों कही गई है, क्योंकि जब तक इनको कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, जब तक इन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, तब तक ये शरारती तत्व जो हैं वो सांप्रदायिक भावनाएं फैलाते रहेंगे. द कॉमन मैन इज इनफैक्ट पीस लविंग. जो आम आदमी है वो शांति प्रिय होता है. ही रिस्पेक्ट्स ऑल रिलीजन्स इक्वली. और वो जो आम आदमी है ना, वो हर धर्म की समान रूप से इज्जत करता है. इट इज़ ओनली द रिलीजियस हु फाइट इन द नेम ऑफ रिलीजन्स. और कहते कि धर्म के नाम पर लड़ने वाले अधार्मिक ही होते हैं, क्योंकि उनको धर्म का असली मतलब जो है वो पता नहीं होता. पोप राइट्स, और इसीलिए जो पोप हैं वो लिखते हैं, फॉर मोड्स ऑफ फेथ लेट फ्रीसलेस चर्च फ्लाइट. ही कांट बी रॉन्ग हुज लाइफ इज इन द राइट. और फिर पॉप लिखते हैं कि विश्वास के तरीकों के लिए कृपालु कट्टर लड़ें. जो काइंड है वो लोग लड़ें, वह गलत नहीं हो सकता जिसका जीवन सही है. क्योंकि जो रिलीजन के सही मायने जानता है वही धर्म के लिए जो है वो लड़ सकता है. वही जो धार्मिक एकता जो है, जो सांप्रदायिक एकता जो है उसको बना के रख सकता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कम्युनल हारमोनी. आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम.